Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys Sanvi and you are watching Sun Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है लाइफ स्टोरी ऑफ शहीद आजम भगत सिंह, इंडियाज मोस्ट बिलव्ड फ्रीडम फाइटर. और आज भगत सिंह के बारे में वीडियो देखेंगे. बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी. एक्चुअली मैं तकरीबन कोई एक साल पहले जो है ना इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि डॉक्टर विवेक बैंड्रा की थी. ठीक है, और अभी काफी टाइम से बनाई हुई है, मुझे भी इतना कोई अच्छे से चीजें याद नहीं है, भूल गया. लेकिन फिर भी लोगों ने जो है ना इस वीडियो की ज्यादा रिक्वेस्ट की थी, तो ये वीडियो जो है मैं लेकर आ चुकी हूँ. और ना ही सिर्फ इंडिया के अंदर भगत सिंह को जो है वो बहुत प्यार दिया जाता है, उनको माना जाता है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, इनको माना जाता है. इनका घर जो है ना मतलब 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे है इनका घर, मेरे घर से ना तो मतलब दूर ही है, 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे है. अगर इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक हो जाते हैं ना, तो जरूर मैं उनके घर जो है वो जाऊंगी. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर जाऊं तो आप लोगों को जो है वो दिखाऊं, तो आप 1K लाइक जो है इस वीडियो के ऊपर जरूर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपका फर्स्ट वाला कमेंट जो है वो पिन हो जाए, क्योंकि फर्स्ट वाला कमेंट जो है वो पिन करती हूँ. तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो थोड़ी लंबी है बट हम रेस पे रिएक्ट सारी पे एक ही दफा कर देंगे. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. ये डायलॉग अगर किसी के जीवन पर सटीक बैठता है तो वो है शहीद आजम भगत सिंह. मात्र 23 साल की उम्र में भारत माता की जय का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूलने वाले वीर भगत सिंह इतना शानदार जिए कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है. भगत सिंह भारत की आजादी के वो एक अहम किरदार हैं जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में अपना किरदार निभाकर खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लिया. लेकिन जाने से पहले उन्होंने हर एक भारतीय के अंदर अपने देश की आजादी के प्रति जोश और जुनून का जज्बा भर दिया. 23 मार्च 1931, ये वो दिन था जब भगत सिंह को फांसी दी जानी थी. पूरे भारत में भगत सिंह की फांसी रोकने को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे. ब्रिटिशर्स घबराए हुए थे कि कहीं प्रदर्शनकारी हावी ना हो जाए और फांसी को टालना ना पड़े, और इस कारण भगत सिंह को कोर्ट के द्वारा तय की गई तारीख से पहले ही फांसी दे दी जाती है. भगत सिंह तो कुर्बान हो गए, लेकिन देश के हर युवा की आंखों में आजादी का सपना छोड़ गए. भगत सिंह ने एक बार कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, जो वाकई सच साबित हुआ. एक तरफ भगत सिंह को फांसी हुई और वहीं दूसरी ओर भारत की सड़कों पर भगत सिंह के सपने को पूरा करने के लिए देश का हर नौजवान अंग्रेजों की जड़ें हिलाने के लिए निकल पड़ा. देश में हर तरफ आजादी के लिए आवाज उठने लगी, जिस कारण भगत सिंह की मृत्यु के ठीक 16 साल बाद भारतीयों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया. भगत सिंह देश की आजादी के लिए इस कदर दीवाने थे कि उनके अंदर बचपन से ही एक वीर क्रांतिकारी जाग उठा था. मात्र 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग का खौफनाक मंजर देखकर ठान लिया था कि वो उन मासूमों की जान का बदला अंग्रेजों से लेकर रहेंगे. ब्रिटिशर्स से बदला लेने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फोड़ा था, उसकी आवाज ने अंग्रेजों के परखच्चे उड़ा दिए थे. भगत सिंह एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने जेल में जाकर भी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बगावत नहीं छोड़ी और वहाँ भी सभी कैदियों में क्रांति पैदा कर दी. कई महीनों तक हंगर स्ट्राइक करने के बाद भी उनका जुनून कम नहीं हुआ और लगातार 116 दिनों तक फास्ट रखकर भगत सिंह ने अंग्रेजों से अपनी बात मनवा ली थी. तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे भगत सिंह, क्यों इन्हें फांसी दी गई और केवल 23 साल की उम्र में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग आज भी इनके कायल हैं. 28 सितंबर 1907, ये वो दिन था जब भारत को अपना वीर सपूत मिला था. इस दिन बंगा नाम के गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था. ये गांव आज के समय में पाकिस्तान में आता है, लेकिन भारत के विभाजन से पहले ये ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस के लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था. भगत सिंह का जन्म एक सिख फैमिली में हुआ था जो भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी. अपने परिवार में भगत अपने माता पिता की दूसरी संतान थे. इनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और माँ का नाम विद्यावती था. इनके जन्म के समय इनके पिता और अंकल अजीत सिंह पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे और वक्त वक्त पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने वाले मूवमेंट्स में भाग लिया करते थे. कैनाल कॉलोनाइज बिल और गदर मूवमेंट में भी इनके पिता और अंकल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसका अच्छा ये देखिए, अभी सिख जो है वो खालिस्तान के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं, बट भगत सिंह जो थे वो एक सिख ही थे और उन्होंने जो है वो इस चीज के लिए कोशिश की कि हम जो है वो अंग्रेजों से आजादी हासिल करें और पूरा जो है वो भारत बने. अभी पता नहीं क्यों ये लोग जो है वो खालिस्तान के लिए प्रोटेस्ट करते हैं.
कारण इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इवन जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तब भी इनके पिता और अंकल कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने के कारण जेल में थे। लेकिन भगत सिंह के जन्म के कुछ दिनों बाद ही दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया, जिस कारण सभी लोग भगत सिंह को काफी लकी मानते थे और इसी वजह से शुरुआत में इनका नाम भागो सिंह रखा गया था, यानी भाग्य वाला इंसान। पर वक्त के साथ इस नाम को बदल कर भगत सिंह कर दिया गया। इन्होंने बचपन से ही देश के साथ साथ अपने घर के लोगों में भी आजादी की आग देखी थी और इसी के चलते काफी कम उम्र में ही इनके सीने में भी आजादी की आग पैदा हो गई। भगत सिंह बचपन से ही ब्रिटिशर्स से नफरत करने लगे थे, जिसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल इनके बालपन के दिनों में देखने को मिलता है। वो ऐसे कि एक बार इनके पिता खेत में बीज बो रहे थे, जिसे देखकर भगत सिंह ने अपने पिता से सवाल किया कि आप खेत में क्यों आते हो। इस पर उनके पिता ने कहा कि हम खेत में बीज बोने आते हैं ताकि ढेर सारी फसल होने पर अनाज मिल सके। जिसके बाद भगत सिंह ने अपने पिता की बात का जवाब देते हुए कहा कि पिताजी फिर हम खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते, ऐसा करने से हमारे पास ढेर सारी बंदूकें होंगी जिनका इस्तेमाल हम अंग्रेजों के खिलाफ कर सकते हैं। छोटी सी उम्र में ही ऐसे विचार रखने वाले भगत सिंह ने अपने पिता को निशब्द कर दिया था। लेकिन इस इंसिडेंट से उनके पिता इतना तो समझ गए थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बनेगा। भगत सिंह के बचपन में ही उनका भविष्य दिखता था। ये छोटी उम्र में भी ऐसे खेल खेलते थे जिनसे इनकी सोच का पता चलता था। खेल के तौर पर ये अपने दोस्तों को दो गुटों में बांट दिया करते थे और एक को भारतीय और एक को अंग्रेज बनाया करते थे और दोनों को आपस में लड़वाया करते थे। बचपन से ही ये बड़े होकर इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते थे, जिस कारण दिन दुनिया की खबरों पर भी इनकी नजरें काफी तेज हुआ करती थी। भगत सिंह पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे। इन्हें इंटेलिजेंट बच्चों की कतार में पहले नंबर पर खड़ा किया जाता था। इन्हें पढ़ने का काफी शौक था, जिस कारण इन्होंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गांव में ही की। लेकिन जब स्कूल बदलने का समय आया तो इन्होंने लाहौर के ब्रिटिश हुकूमत वाले स्कूल में दाखिला लेने से साफ मना कर दिया। ये कभी भी ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, जिस कारण जिद करके इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में अपना एडमिशन करवा लिया। अच्छी एजुकेशन। स्कूल के दिनों में भी भगत सिंह अंग्रेजों की हर गतिविधियों पर नजर रखते थे। एक दिन भगत सिंह अपने स्कूल में पढ़ रहे थे और तभी इन्हें जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में पता चला। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को चारों ओर से घेर कर मौत के घाट उतार दिया था। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग का मेन गेट बंद करवा कर चारों ओर से अपने सिपाहियों से बड़ी बेरहमी के साथ बाग में मौजूद सभी लोगों के ऊपर गोलियां बरसवा दी थी। लोगों के पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वहां भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि उस बाग में एक कुआं था जहां कई लोगों ने गोलियों से बचने के लिए छलांग लगा दी थी, लेकिन फिर भी कोई नहीं बच पाया। बाग में मौजूद लगभग 1500 लोगों में 379 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी और करीब 1200 लोगों को भारी घाव आए थे। इस इंसिडेंट ने पूरे देश में एक आक्रोश पैदा कर दिया था। इस मैसेकर से भगत सिंह इतना आहत हुए थे कि केवल 12 साल की उम्र में घर पर बिना बताए स्कूल से सीधे जलियांवाला बाग की ओर निकल गए और करीब 12 मील पैदल चलकर वहां पहुंच गए, जिसके बाद इन्होंने खून से लथपथ वहां की मिट्टी को एक बॉटल में रखा और घर चले गए। इस दिन भगत सिंह ने कसम खाई थी कि भारत के हर मासूम के खून के कतरे कतरे का बदला वो अंग्रेजों से लेंगे। वैसे भगत सिंह की वीरता की कहानियां और किस्सों को और गहराई से जानने के लिए कुकू FM पर भगत सिंह की इस बायोग्राफी और जेल डायरी को सुन सकते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी, जिसके तहत अब भारत के लोग ब्रिटिश और ब्रिटिशर्स से जुड़ी हर चीज का बहिष्कार करने वाले थे। इस मूवमेंट में गांधी जी ने साफ कर दिया था कि स्वराज ही उनका अल्टीमेट गोल है। वो किसी भी कारण से ब्रिटिशर्स के नीचे अब दबने के लिए तैयार नहीं थे। इस मूवमेंट को पूरे भारत की ओर से सपोर्ट मिला। इसके तहत ब्रिटिश प्रोडक्ट से लेकर ब्रिटिश टाइटल और ऑफिसेज तक का बॉयकॉट किया जाने लगा। भगत सिंह भी गांधी जी के इस मूवमेंट से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने गांधी जी के इस मूवमेंट को पूरे जोरों शोरों से सपोर्ट किया। भगत सिंह न केवल खुद बल्कि अपने दोस्तों को भी इस मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए सामानों को जलाना शुरू कर दिया। वो सरेआम ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड बुक्स को भी आग लगा दिया करते थे। कुल मिलाकर भगत सिंह को अब तक लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स को गांधी जी ही हरा सकते हैं और अब भारत को जल्दी ही आजादी मिलने वाली है। लेकिन तभी एक इंसिडेंट होता है जो भगत सिंह को पूरी तरह से तोड़ देता है। दरअसल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय सड़कों पर लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ अनआर्म्ड रहकर नारे लगाते थे। बेशक ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, जिसके लिए वो कई तरह के
खतरे भी आजमाते थे। एक बार इसी तरह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान एक भीड़ नारे लगाती हुई एक पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाती है, जहां पुलिस वाले भारतीयों को नारेबाजी ना करने के लिए धमकाते हैं, लेकिन जब भारतीय नहीं मानते तो पुलिस वाले उन पर गोलियां चला देते हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। अपने लोगों को मरता देख भीड़ बेकाबू हो जाती है। ये देख पुलिस वाले डर के मारे पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर छिप जाते हैं, जिसके बाद पूरी भीड़ पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर देती है। इस इंसिडेंट को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ भारतीयों के साथ पूरे 23 पुलिस वाले मारे जाते हैं। अब गांधी जी को इसके बारे में पता चलता है तो वो फौरन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। मूवमेंट वापस लेने के कारण भगत सिंह के साथ भारत के कई लोगों को काफी बुरा लगता है। कोई नहीं चाहता था कि इतना आगे आकर अब पीछे जाया जाए। भगत सिंह गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के डिसीजन से काफी परेशान हो गए थे। आजादी के जो सपने वो देख रहे थे वो अब उन्हें बिखरे हुए लग रहे थे। यही से भगत सिंह ने खुद कुछ कर दिखाने के बारे में सोचा, क्योंकि वो जानते थे कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था, जिसके बाद 1923 में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ ही भगत सिंह ने अपनी सोच को और उजागर करना शुरू कर दिया। ये कई तरह की किताबें पढ़ा करते थे, ये सोशलिज्म के समर्थक थे और अपनी एक अलग निगाह से दुनिया को देखा करते थे। बचपन से ही इनमें एक क्रांतिकारी था जो अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ बगावत करता था। कॉलेज में ये दिन के समय पढ़ा करते थे और शाम को अपने दोस्तों के साथ देश में चल रहे कई मुद्दों पर डिबेट किया करते थे। ये कई रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा करते थे और उनकी विचारधाराओं को खुद से जोड़ने की कोशिश करते थे। हालांकि एक तरफ जहां भगत सिंह देश के लिए खुद को समर्पित कर चुके थे, तो वहीं दूसरी ओर इनके घर पर इनकी शादी की बातें भी चलने लगी। लेकिन भगत सिंह का इस वक्त शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो केवल और केवल अपने देश के लिए काम करना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने अपने परिवार वालों से साफ कह दिया था कि अगर आजादी से पहले मेरी शादी होती है तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। ये सुनने के बाद भगत सिंह के माता पिता को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन वो समझ चुके थे कि उनका बेटा अब देश की आजादी की राह पर निकल गया है। शादी वाले इंसिडेंट के बाद भगत सिंह ने अपना घर छोड़ दिया और वो कानपुर रहने के लिए चले आए। यहाँ भगत सिंह बंगाल रेवोल्यूशनरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए थे, लेकिन 1924 में जब भगत सिंह कानपुर आए तो उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बनाई गई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया। इस एसोसिएशन के प्राइमरी ऑर्गेनाइजर चंद्रशेखर आजाद थे, जिनसे कुछ समय में ही भगत सिंह की काफी अच्छी बनने लगी थी। भगत सिंह काफी कम वक्त में ही आजाद के चहेते बन गए थे। कानपुर में ही भगत सिंह की गणेश शंकर विद्यार्थी से मुलाकात हुई, जो एक मशहूर पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। गणेश शंकर ने भगत सिंह को अपने पीरियोडिकल ऑफिस में काम पर रख लिया। इनका प्रताप नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी निकला करता था, जिसमें भगत सिंह ने बलवंत के नाम से लिखना शुरू कर दिया। प्रताप में सिंह कई और ग्रेट रेवोल्यूशनरीज की ऑटोबायोग्राफीज को लिखा और ट्रांसलेट किया करते थे। पूरा देश इनके लिखने के तरीके को काफी पसंद किया करता था। यह वही समय था जब भगत सिंह के थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल से इम्प्रेस होकर सचिंद्र नाथ सान्याल ने उन्हें चंद्रशेखर आजाद से मिलवाया था। कुल मिलाकर भगत सिंह का छोटा पर काफी सक्सेसफुल जर्नलिस्टिक करियर रहा, जहां इन्होंने कई मैगजीन्स के साथ मिलकर काम किया और काफी नाम कमाया। इन्होंने कीर्ति, प्रताप, वीर अर्जुन, मतवाला, प्रभा और वंदे मातरम जैसी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के लिए काम किया था और हर जगह से इन्हें काफी प्रशंसा मिली। हर कोई इनके लेख का कायल था। इनकी पर्सनालिटी की तरह इनका लिखने का अंदाज भी जरा हटकर था। ये अपनी लिखने की ताकत से ही ब्रिटिशर्स के पुर्जे हिला दिया करते थे। इनका लिखा हुआ पढ़ने भर से ही देश की जनता में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की एक शक्ति पैदा हो जाती थी। इनके लिखे कई आर्टिकल्स को तो अंग्रेजों ने बैन भी करवा दिया था। अंग्रेज अब तक भगत सिंह को पहचानने लगे थे, लेकिन भगत सिंह कहां किसी से डरने वालों में से थे। वो तो बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि 1925 में सिंह वापस से लाहौर चले गए। दरअसल भगत सिंह की ग्रैंड मदर की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई थी, जिस कारण उन्होंने अपने घर का रुख लिया, लेकिन यहाँ भी वो अकाली दल की मीटिंग्स को सपोर्ट किया करते थे। हालांकि अभी तक भगत सिंह किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए या उनका बॉयकॉट करे, और इसी कारण मार्च 1926 में भगत सिंह और उनके कलीग्स ने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसे नौजवान भारत सभा का नाम मिला। इस ऑर्गेनाइजेशन को ओरिजिनली लाहौर में एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसको अमृतसर से ऑर्गेनाइज किया जाता था। नौजवान भारत सभा का मेन एम भारत के यूथ को जगाना था। इस सभा की मदद से भगत सिंह पंजाब के यंग स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स को नेशनलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज की ओर बढ़ा रहे थे।
इस सभा को बनाने का आइडिया भगत सिंह को अमृतसर के एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर डॉक्टर सत्यपाल ने दिया था। वक्त के साथ लोग इस सभा के बारे में जानने लगे और इसे ज्वाइन करने लगे। कई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने भी इस सभा को ज्वाइन किया था। शुरुआत में सभा को केवल लाहौर से ही ऑपरेट किया जाता था, लेकिन कीर्ति किसान पार्टी के साथ एक यूथ कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि सभा का हेडक्वार्टर अब लाहौर से अमृतसर शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद नौजवान भारत सभा और कीर्ति किसान पार्टी ने एकजुट होकर गरीब किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया। साथ ही ये जनता के बीच जस्टिस एंड इगालिटेरियनिज्म का मैसेज भी फैलाने लगे। ये वही समय था जब भगत सिंह ने कीर्ति किसान पार्टी को ज्वाइन किया था। इसके बाद अप्रैल 1926 में भगत सिंह की मुलाकात सोहन सिंह जोश से हुई, जो अमृतसर के एक नोटेड पेजेंट लीडर एंड फ्रीडम फाइटर रहे थे। भगत सिंह इनके साथ मिलकर काम करने लगे और कुछ ही समय में इन्हें मर्ज्ड पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। सोहम सिंह भगत सिंह के विचारों से सहमत थे और इसी कारण उन्होंने भगत सिंह की वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी से बातचीत करवाई, जो एक गुरुमुखी लैंग्वेज मंथली मैगजीन कीर्ति को पब्लिश करती थी। सिंह ने इस मैगजीन के लिए लिखना शुरू कर दिया और अगले एक साल तक भगत सिंह जोश के साथ काम करते रहे, जिस दौरान इनकी सभा ने लोगों के बीच अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए कई पैम्फलेट्स और ट्रैक्ट्स पब्लिश्ड किए और कॉलोनियल गवर्नमेंट के अनजस्ट मेजर्स के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज्ड किए। भगत सिंह कीर्ति में एक से बढ़कर एक एंटी कॉलोनियल आर्टिकल्स लिखा करते थे, जिस कारण कुछ ही समय में भगत सिंह ब्रिटिशर्स की आंखों का कांटा बनने लगे। यही नहीं, भगत सिंह की आइडियोलॉजी और लेख से भारत के यूथ पर उनका काफी इन्फ्लुएंस पड़ने लगा, जो ब्रिटिशर्स के लिए एक बड़ी परेशानी बनने लगी थी। ब्रिटिशर्स कैसे भी करके भगत सिंह को रोकना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हमेशा से छल कपट के सहारे अपना काम निकालने वाले ब्रिटिशर्स अपना रंग दिखाते हैं और 1927 में भगत सिंह को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट के समय ब्रिटिशर्स 9 अगस्त 1925 को हुई काकोरी ट्रेन रॉबरी और अक्टूबर 1926 में हुए लाहौर बॉम्बिंग में भगत सिंह के शामिल होने का इल्जाम लगाते हैं। दरअसल काकोरी एक्शन को करवाने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA लेता है और उस समय भगत सिंह भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे, जिस कारण उन्हें अरेस्ट करना ब्रिटिशर्स के लिए आसान बन गया था। हालांकि काकोरी एक्शन की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करने का काम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई लीडर्स ने किया था। कुछ समय बाद काकोरी कॉन्स्पिरेसी ट्रायल में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 लोगों को फांसी और 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास भगत सिंह के खिलाफ ना कोई ठोस सबूत थे और ना ही कारण, जिस वजह से अरेस्ट के कुछ समय बाद ही भगत सिंह को 60,000 रुपए का भुगतान करने के बाद छोड़ दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद भगत सिंह ने एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। दरअसल काकोरी एक्शन में चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशर्स की पकड़ से भागने में सफल रहे थे, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि काकोरी एक्शन में HRA के कई बड़े लीडर्स अरेस्ट हो गए थे और HRA बुरी तरह से बिखर गई थी। पर भगत सिंह ने आजाद को एक नई उम्मीद दी और दोनों ने मिलकर HRA को एक बार फिर नए सिरे से शुरू करने के लिए जी जान लगा दी। HRA के रिफॉर्मेशन के लिए सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें बंगाल, बिहार और पंजाब के रेवोल्यूशनरी ने भाग लिया, जिसके बाद फाइनली HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई। इस एसोसिएशन पर भगत सिंह का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जिस कारण एसोसिएशन से जुड़े सभी मेंबर्स एंटी ब्रिटिश थे। इस समय भारत में साइमन कमीशन का बड़े जोरों शोरों से विरोध हो रहा था। दरअसल 1928 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में एक कमीशन बैठाया गया, जिसका मेन काम भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन पर रिपोर्ट तैयार करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपना था। लेकिन परेशानी ये थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था और इसका हेड भी एक ब्रिटिशर यानी जॉन साइमन था। इसी वजह से देश में कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप ने इस कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट पूरे भारत में फैल गए और हर कोई साइमन गो बैक के नारे लगाने लगा। इस समय लाला लाजपत राय एक ऑल पार्टी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट काम कर रहा था। पूरे भारत में हो रहे प्रोटेस्ट ब्रिटिशर्स को नहीं भा रहे थे, जिस कारण इसी समय ब्रिटिशर्स कुछ ऐसा करते हैं जिसका भगत सिंह पर काफी असर होता है और इसी के कारण भगत सिंह पहली बार किसी ब्रिटिशर के खिलाफ कलम की जगह हाथ में बंदूक तान लेते हैं। दरअसल प्रोटेस्ट को लीड करते हुए लाला लाजपत राय लाहौर के एक रेलवे स्टेशन की ओर अपना रुख करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें और सभी प्रोटेस्टर्स को रेलवे स्टेशन पर जाने से रोकती है, जिस कारण सिचुएशन काफी गर्म हो जाती है। पर तभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट सभी पुलिस ऑफिसर्स को प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दे देते हैं,
जिसके बाद पुलिस वाले सभी प्रोटेस्टर्स पर अंधाधुन लाठी बरसाना शुरू कर देते हैं। इस लाठी चार्ज में कई प्रोटेस्टर्स घायल हो जाते हैं, लेकिन लाला लाजपत राय की सबसे बुरी हालत होती है क्योंकि स्क्वाड का मेन टारगेट लाला लाजपत राय ही होते हैं। पुलिस वाले राय को लाठी से इतना मारते हैं कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, जहां इंजरीज के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। लाला लाजपत राय की मौत के बाद डॉक्टर्स भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि सेवरल इंजरीज के कारण ही राय की मौत हुई है। हालांकि बाद में जब यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट में राय की मौत का मुद्दा उठाया जाता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट राय की मौत में खुद को निर्दोषी बताती है। लाला लाजपत राय की मौत ने भगत सिंह को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। भगत सिंह अब हर हाल में ब्रिटिशर्स से बदला लेना चाहते थे, और इसी बदले की आग में फाइनली भगत सिंह और उनके सभी रेवोल्यूशनरी साथियों ने मिलकर जेम्स ए स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई। इस योजना को बनाने के लिए भगत सिंह और सभी क्रांतिकारियों ने एक मीटिंग रखी, जिसमें यह तय हुआ कि अब फाइनली ब्रिटिशर्स को अपने किए हुए का चुकाना पड़ेगा। इस बैठक में स्कॉट के मर्डर का प्लान बनाने में राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल जैसे क्रांतिकारी भी शामिल थे। स्कॉट के मर्डर प्लान में HSRA के भी सभी मेंबर्स ने साथ दिया था। प्लान के मुताबिक भगत सिंह के साथ सभी क्रांतिकारियों को पुलिस स्टेशन के पास छिपकर स्कॉट के स्टेशन से बाहर निकलने का इंतजार करना था, और जैसे ही स्कॉट स्टेशन से बाहर आते वैसे ही उन्हें गोली मारकर भाग जाना था। लेकिन असल में प्लान जैसा बनाया गया था वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और एक बड़ी गलती हो गई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके सभी साथी प्लान के हिसाब से पुलिस स्टेशन के आसपास खड़े होकर स्कॉट का इंतजार करने लगे। ऑपरेशन के हिसाब से भगत सिंह और राजगुरु की जिम्मेदारी स्कॉट को मारने की थी, और चंद्रशेखर आजाद का काम केवल इन दोनों को कवर देने का था। जय गोपाल को इस प्लान का हिस्सा इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनके अलावा कोई स्कॉट को नहीं पहचानता था। सभी स्कॉट के पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। जय गोपाल वही पास में बैठकर एक साइकिल पर चेन चढ़ा रहे थे। उनका काम केवल स्कॉट को आइडेंटिफाई करने के बाद इशारा देने का था। अब जैसे ही स्टेशन से एक पुलिस ऑफिसर बाहर निकला तो सब चौकन्ने हो गए, और जय गोपाल ने भगत सिंह को इशारा कर दिया, जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर पर पहली गोली राजगुरु ने चलाई और फिर बाद में भगत सिंह ने। गोली लगने के बाद जब तक भगत सिंह समझ पाते कि उन्होंने गलत आदमी पर गोली चलाई है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। दरअसल जय गोपाल हड़बड़ाहट में स्कॉट को पहचान ही नहीं पाए थे, और उन्होंने इशारा करके जिस ऑफिसर पर गोली चलाने को कहा वो स्कॉट नहीं बल्कि ASP जॉन पी सॉन्डर्स थे। कई गोलियां लगने के कारण जॉन पी सॉन्डर्स की मौके पर ही मौत हो गई। सॉन्डर्स के मर्डर के कारण भगत सिंह और उनके सभी साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी सर्च ऑपरेशन तेज कर दी और शहर के सभी एंटर और एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक करवा दिया, जिस कारण भगत सिंह का पुलिस की नजरों से बचकर भाग निकलना काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए भागने के लिए भगत सिंह एक प्लान बनाते हैं, जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए 19 दिसंबर 1928 को सुखदेव HSRA के मेंबर प्रोफेसर भगवती चरण वोहरा की वाइफ दुर्गावती देवी को बुलाते हैं, जो भगत सिंह की भागने में मदद करती है। प्लानिंग के हिसाब से राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर से एक ट्रेन पकड़नी थी जो भटिंडा होते हुए कलकत्ता जाती। इस दौरान भगत सिंह अपना पूरा लुक बदल लेते हैं। एक पंजाबी होने के बाद भी भगत सिंह अपने बाल और दाढ़ी कटवा लेते हैं। इनका अटायर भी वेस्टर्न होता है। वही सुखदेव भगत सिंह के नौकर बनते हैं और दुर्गा भाभी भगत सिंह की वाइफ। भगत सिंह और सुखदेव सेफ्टी के लिए अपने पास एक रिवॉल्वर भी रखते हैं, जिसके बाद फाइनली सभी भागने में सफल होते हैं। ब्रिटिशर्स की नजरों से भागने में सफल होने के बाद कुछ समय तक भगत सिंह शांत रहते हैं, जिसके बाद वो ड्रामा की मदद से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। वो लोगों को इंस्पायर करने के लिए फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां सुनाया करते थे, जिसमें अधिकतर रेवोल्यूशनरीज शामिल रहते थे। वो राम प्रसाद बिस्मिल और अगस्टे वैलेंट जैसे बड़े रेवोल्यूशनरीज के बारे में लोगों को बताते थे। अगस्टे वैलेंट एक फ्रेंच एनार्किस्ट थे जिन्होंने पेरिस में चेंबर ऑफ डिप्यूटीज में बॉम्ब फेंका था। भगत सिंह को ब्रिटिशर्स के बनाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल से परेशानी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल के हिसाब से ब्रिटिशर्स बिना रीजन बताए किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के तहत श्रमिक गतिविधियों को समाप्त करने और स्ट्राइक्स पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इन बिल्स के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए असेंबली ने इन दोनों ही बिलों को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वाइसरॉय ने अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करके बिल्स को रिजेक्ट करने के बाद भी इसे लागू करने की योजना बना ली थी। भगत सिंह इसके सख्त खिलाफ थे, जिसके लिए उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब एक्सप्लोजन करने का प्लान बनाया।
शुरुआत में जब भगत सिंह ने HSRA के सामने ये प्लान पेश किया तो HSRA का कोई मेंबर नहीं चाहता था कि भगत सिंह इस प्लान का हिस्सा बने, क्योंकि अगर वो इस प्लान में शामिल होकर असेंबली में बॉम्ब फेंकते तो ब्रिटिशर्स पहले सॉन्डर्स के मर्डर और फिर असेंबली बॉम्ब केस में भगत सिंह को फांसी दे देते। हालांकि काफी डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि भगत सिंह असेंबली बॉम्बिंग का हिस्सा बनेंगे। अब चाहे इसके लिए उन्हें अरेस्ट और एग्जीक्यूट ही क्यों ना होना पड़े, भगत सिंह का मानना था कि आजादी उनका मकसद है और आजादी केवल बोलने से नहीं मिलती बल्कि उसके लिए लड़ना भी पड़ता है। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस प्लान में पार्टिसिपेट किया तो उनका वापस जिंदा बच कर आना नामुमकिन है। लेकिन जन्म से ही रेबेलियन भगत सिंह कहां पीछे हटने वाले थे, वो तो खुशी खुशी इस प्लान में शामिल होने के लिए रेडी हो गए और HSRA के सभी मेंबर्स को भी मना लिया। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले भगत सिंह ने कहा था कि अगर मेरी जान चली भी गई तो मेरे बाद भारत के हर घर से एक भगत पैदा होगा जो आजाद भारत के लिए ब्रिटिशर्स को मार भगाएगा। फाइनली वो दिन आता है जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली बॉम्बिंग के लिए तैयार होते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चलते सेशन के बीच पब्लिक गैलरी से असेंबली चैम्बर में 2 बॉम्ब फेंकते हैं। इन बॉम्ब्स का मकसद किसी को मारने का नहीं होता, इसी कारण इन्हें खाली जगहों पर फेंका जाता है। बॉम्ब से पूरी असेंबली में धुआं हो जाता है और इसकी आवाज भी काफी तेज होती है, जिस कारण असेंबली में मौजूद सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आता और वो इधर उधर भागने लगते हैं। इस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो भाग सकते थे लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वही खड़े होकर जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कई पैम्फलेट्स हवा में उड़ाने लगते हैं जिन पर लिखा था कि बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसके बाद दोनों खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अरेस्ट होने का मेन मकसद कोर्ट ट्रायल्स के जरिए अपनी बातों को पूरे हिंदुस्तान के कानों तक पहुंचाना था, जिससे सभी भारत की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अरेस्ट के कारण फाइनली पिछले एक साल से ब्रिटिशर्स को जिसकी तलाश थी वो आज उनके हाथ लग जाता है। अरेस्ट करने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर के बॉस्टल जेल में डाल दिया जाता है, जहां 10 जुलाई 1929 को दोनों के ऊपर मुकदमा शुरू होता है। 7 मई 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर 2 केसेस के लिए ट्रायल्स चलते हैं, जिसमें एक असेंबली बॉम्ब केस के लिए और दूसरा सॉन्डर्स मर्डर के लिए। दोनों ट्रायल्स में भगत सिंह अपनी साइड से कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स को तो कैसे भी करके भगत सिंह को फांसी देनी थी। ट्रायल्स के शुरुआत में भगत सिंह और दत्त अपने केस को बहुत सीरियसली लड़ते हैं, लेकिन वक्त के साथ इन्हें समझ आने लगता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ब्रिटिशर्स उन्हें अब जेल से घर वापस कभी नहीं जाने देंगे। ट्रायल्स की शुरुआत में बटुकेश्वर दत्त की ओर से अफसर अली केस को लड़ते हैं, तो वही भगत सिंह अपना केस खुद लड़ने का फैसला लेते हैं। भगत सिंह स्टार्टिंग से ही अपना स्टैंड क्लियर करते हुए चलते हैं। वो रेवोल्यूशनरीज के बारे में कहते हैं कि जब अग्रेसिवली तरीके से फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वो वायलेंस और अनजस्टिफाइबल कहलाता है, लेकिन जब किसी लेजिटिमेट कॉज को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका अपना मॉरल जस्टिफिकेशन होता है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ भगत सिंह के रवैये को देखते हुए अंग्रेज वही करते हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड था। कोर्ट किसी भी सूरत में रेवोल्यूशनरीज के द्वारा किए गए कामों को सही नहीं बताती और मैलिशियस एंड अनलॉफुल इंटेंट का हवाला देते हुए भगत सिंह और दत्त को गलत ठहराती है। कोर्ट के अलावा पॉलिटिकल बॉडी की ओर से भी असेंबली बॉम्बिंग को क्रिटिसाइज किया जाता है। ट्रायल्स के दौरान ही HSRA की बॉम्ब बनने वाली जगहों पर पुलिस रेड डाल देती है, जिसमें एसोसिएशन के कई प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज अरेस्ट हो जाते हैं। इस रेवोल्यूशनरीज में 21 से भी ज्यादा HSRA के मेंबर्स होते हैं, जिनमें राजगुरु, जतेंद्रनाथ दास, सुखदेव, किशोरी लाल और जय गोपाल शामिल होते हैं। पर यहाँ परेशानी तब आन पड़ती है जब पुलिस के कहने पर HSRA के 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के अप्रूवर्स बन जाते हैं। भगत सिंह को फंसाने की साजिश रच रहे ब्रिटिशर्स मौका पाते ही अपने काम पर लग जाते हैं और फणीन्द्र नाथ घोष, हंसराज बोहरा एंड जय गोपाल को भगत सिंह के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा देते हैं। इनकी गवाही से भगत सिंह को काफी सदमा लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हैं और आखिरी सांस तक लड़ते हैं। गवाही मिलने के बाद ब्रिटिशर्स भगत सिंह और उनके साथियों के ऊपर मेनली 3 केसेस को हाईलाइट करके डिसीजन दिलवाते हैं, जिनमें सॉन्डर्स मर्डर, असेंबली बॉम्बिंग एंड बॉम्ब मैन्युफैक्चर के केस शामिल होते हैं। 10 जुलाई 1929 को सभी ट्रायल्स एक स्पेशल सेशन कोर्ट में होते हैं, जहां 28 क्यूस रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट सजा सुनाई जाती है। ये ट्रायल पूरी तरह से बायस्ड होता है। कोर्ट हार्डली ही स्टैंडर्ड लीगल राइट्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए अपना डिसीजन सुनाता है और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रोकने के लिए कई नेशनल लीडर्स ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी सूरत में ब्रिटिशर्स भगत सिंह की कैपिटल पनिशमेंट को कम ना करने की ठान लेते हैं। हालांकि बात जब रिक्वेस्ट करने से नहीं बनती तो एच
HSRA के अटर्नीज भगत सिंह को बचाने के लिए हेबियस कॉर्पस पिटीशन को फाइल करते हैं, लेकिन इसे भी जज विस्काउंट ड्यूनेडिन के द्वारा डिनाई कर दिया जाता है। भारत के कई लीडर्स भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चाहकर भी कोई फांसी को नहीं रोक पाता। इवन जेल में रहने के दौरान भगत सिंह के पिता उन्हें लिखते भी है कि वो उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अब वो लेटर लिखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से भगत सिंह को फांसी न देने की रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन भगत सिंह अपने पिता को साफ शब्दों में लिखकर साफ कर देते हैं कि उन्हें किसी की मर्सी की जरूरत नहीं है, और जिस रास्ते पर वो है ये रास्ता उन्होंने अपने लिए खुद चुना है। डेथ सेंटेंस सुनाने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को दिल्ली जेल से शिफ्ट करके सेंट्रल जेल मियांवाली भेज दिया जाता है। यहाँ जब भगत सिंह आते हैं तो वो इंडियन प्रिजनर्स और यूरोपियन प्रिजनर्स में हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को देखकर दंग रह जाते हैं। इस जेल में भारतीय कैदियों की हालत बद से बदतर होती है। उन्हें न ठीक तरह से खाना दिया जाता था और न पानी, न उनके सोने की कोई साफ जगह थी और न ही रहने की। भगत सिंह ने उस जेल में रह रहे भारतीयों की हालत को सुधारने के लिए ब्रिटिशर्स से मांग करनी शुरू कर दी। इन मांगों में इक्वालिटी के साथ फूड स्टैंडर्ड्स, क्लोथिंग, टॉयलेटरीज, हाइजीनिक नेसेसिटीज और बुक्स एंड डेली न्यूज़पेपर की डिमांड की गई थी। इसके साथ ही भगत सिंह ने पहले ही ब्रिटिशर्स को यह साफ कर दिया था कि जेल में वो किसी तरह की फोर्स्ड मैनुअल लेबर और अनडिग्निफाइड वर्क को नहीं करेंगे। हालांकि ब्रिटिशर्स ने भगत सिंह की बेसिक नेसेसिटीज को भी नहीं माना, जिसके बाद भगत सिंह ने सबसे ज्यादा 116 दिनों तक हंगर स्ट्राइक करके हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड बना देते हैं। इस समय भगत सिंह हंगर स्ट्राइक करके ब्रिटिशर्स से जेल में रह रहे भारतीयों के लिए इक्वालिटी और बेसिक नीड्स की डिमांड कर रहे थे। शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने भगत सिंह की हंगर स्ट्राइक को हल्के में लिया, लेकिन जब भगत सिंह और उनके साथी दिन रात भूखे रहने लगे तो ब्रिटिशर्स के डर के मारे कान खड़े हो गए, क्योंकि देश में जब लोकल लोगों को भगत सिंह और उनके साथियों के स्ट्राइक के बारे में पता चला तो वो बाहर से ही भगत सिंह को और ज्यादा सपोर्ट करने लगे। लोगों का आक्रोश देखते हुए ब्रिटिशर्स को डर सताने लगा कि कहीं भूख के मारे भगत सिंह की जान चली गई तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, जिस कारण ब्रिटिशर्स ने शाम दाम दंड भेद हर तरह के पैतरे आजमाकर भगत सिंह और उनके दोस्तों की हंगर स्ट्राइक को भंग करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी खाने का एक निवाला भी गले के नीचे नहीं उतारा, जिसके बाद लगातार 63 डेज तक भूखे रहने के कारण इस स्ट्राइक में जतेंद्र नाथ दास की सितंबर 13, 1929 को भूखे रहने के कारण मौत हो गई। दृढ़ संकल्प का ऐसा नजारा देखते हुए पूरे नेशन ने जतेंद्र नाथ दास को सम्मान दिया था। यही नहीं, इस स्ट्राइक के सपोर्ट में गोपी चंद भार्गव और मोहम्मद आलम ने पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल से विड्रॉ कर लिया था। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाहौर कैप्टिव्स में इनह्यूमन ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया था। साथ ही नेहरू ने सेंट्रल असेंबली में लाहौर कैप्टिव्स के साथ हो रहे इनह्यूमन ट्रीटमेंट को रोकने के लिए एक एडजर्नमेंट मोशन भी स्पॉन्सर किया था। न्यूज़पेपर्स में लगातार लाहौर एंड अमृतसर में मास मीटिंग्स के खबरें छपने लगी थी। इतने सपोर्ट को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने लोगों को रोकने के लिए सेक्शन 144 को इम्पोज कर दिया। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू खुद सेंट्रल जेल विजिट करते हैं और भगत सिंह के साथ सभी स्ट्राइकर्स से मिलकर उन्हें सपोर्ट करने का वादा करते हैं। वहीं उस समय मोहम्मद अली जिन्ना भी स्ट्राइकर्स को सपोर्ट करते हैं और भरी असेंबली में उनके फेवर में बोलते हैं। लोगों का भरपूर सपोर्ट और दास की मौत के बाद ब्रिटिशर्स समझ जाते हैं और फाइनली भगत सिंह की शर्तों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद पूरे 116 दिनों बाद भगत सिंह और उनके सभी साथी 5 अक्टूबर 1929 को अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ते हैं। सजा सुनाए जाने के कारण भगत सिंह को अपना भविष्य पता था। अब वो लगातार जेल के लोगों के साथ आराम से रहते और उनके सुख दुख में उनका साथ देते। केवल भगत सिंह ही नहीं, बल्कि जेल में रहने वाले हर भारतीय को भगत सिंह ने इस कदर बदल दिया था कि सभी प्रिजनर्स अब पेट्रियोटिक स्लोगन्स गाने लगे थे। इन सभी प्रिजनर्स को जो गाना सबसे प्रिय था वो था मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, जिसे भगत सिंह आए दिन गुनगुनाया करते थे। इन सब के अलावा अपने आखिरी दिनों में जेल में भगत सिंह कई किताबें पढ़ते और लेटर्स लिखते। इस समय वो कई बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज को पढ़ा करते थे। भगत सिंह लिखने के साथ साथ बोलते भी काफी अच्छा थे। वो जब भी बोलते तो आसपास के सभी लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते। इवन जेल में काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स भी भगत सिंह को बहुत पसंद किया करते थे। फाइनली अब वो दिन आ जाता है
जब भगत सिंह को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ता है। लेकिन देश अभी भी भगत सिंह को विदाई देने के लिए तैयार नहीं था, जिस कारण अभी भी जोरों शोरों से चारों ओर भगत सिंह को बचाने के लिए हर कोई अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ था। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देनी थी, लेकिन पूरे भारत में भगत सिंह के सपोर्ट में हो रहे प्रोटेस्ट को देखकर ब्रिटिशर्स डर जाते हैं और तय की गई तारीख से एक दिन पहले ही उन्हें फांसी देना तय किया जाता है। जिसके बाद फांसी का जब समय होता है तो जेलर भगत सिंह को जेल से लेकर फांसी देने वाली जगह पर लेकर जाने के लिए आते हैं, पर तब भगत सिंह कहते हैं कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मेरी किताब का आखिरी पन्ना बचा है। अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से भेंट कर रहा है। दरअसल इस समय भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी को पढ़ रहे थे। थोड़ी देर में भगत सिंह किताब का आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद जेलर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेलर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के लिए ले जाता है, जहां भगत सिंह अपने हाथों और आंखों को ना बांधने की डिमांड करते हैं। ब्रिटिशर्स भगत सिंह के हाथों को तो नहीं बांधते, लेकिन आंखों पर काली पट्टी को बांध देते हैं। जिसके बाद 23 मार्च 1931 की शाम को ठीक 7:30 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। तीनों फांसी के फंदे को चूमकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाते हैं। इन तीनों देश प्रेमियों का बलिदान भारत के हर यूथ को एक नई दिशा देता है और अब हर नौजवान भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। भगत सिंह ने केवल तब के यंगस्टर्स को ही इंस्पायर नहीं किया, बल्कि आज के यूथ में भी भगत सिंह के लिए बेहद प्यार और इज्जत भरी है। आज का यूथ भी भगत सिंह को अपनी इंस्पिरेशन मानता है। आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में हर साल 23 मार्च को देश शहीद दिवस मनाता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और काफी डिटेल के साथ हर चीज को इस वीडियो के अंदर जो है वो बताया गया। मैंने डॉक्टर विवेक बैंड्रा की वीडियो देखी थी और वो जो थी ना वो इतनी डिटेल से नहीं थी, और क्योंकि इसका ड्यूरेशन ज्यादा था वीडियो का और इसलिए ज्यादा डिटेल से हर चीज बताई गई। और वाकई यार भगत सिंह ने जब ये देखा कि हर तरफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, हर कंट्री के अंदर माइनॉरिटी के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ही किया जाता है, और फिर जो है माइनॉरिटी जब आवाज उठाती है अपनी तो फिर उनको दबाया जाता है, मारा जाता है। आए दिन कोई ना कोई केस जो है वो सामने आता है कि इस मेजॉरिटी ने इस माइनॉरिटी को मार दिया, इस वजह से मार दिया, क्योंकि आवाज जो है ना वो हर बंदे के अंदर ना एक भगत सिंह रहता है, ठीक है, क्योंकि वो जब भी आवाज उठाता है अपने राइट्स के लिए तो उसको जो है वो दबा दिया जाता है। लेकिन अगर हर बंदा अपने एक एक चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट रहता है ना कि उसने करना है, जैसे भगत सिंह को बिल्कुल इस चीज का दुख नहीं था कि उनको फांसी दी जा रही है, उन्होंने कहा मेरी आंखें भी ना बांधो, मेरे हाथ भी ना बांधो, बट फिर भी उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध दी, हाथ उनके खुले रहने दिए। और एक चीज मुझे उन्होंने कहा कि एक मुझे जो लास्ट मेरी बुक का जो है वो पेज रह गया मैं वो पढ़ लूं, तो उसके बाद आप मुझे फांसी दे देना। और इतना होल्ड हार्टेडली उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है यार मरना है, लेकिन अपनी जो एक चीज है ना उसको छोड़ना नहीं है, मैं फ्रीडम फाइटर हूं और मैंने वही लोगों के दिलों के अंदर वही चीज एक जज्बा जगा के रखना है कि मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन फ्रीडम लेकर ही छोड़ेंगे। और कायदे आजम ने भी इनको जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट किया, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो है वो एक सल्यूट तो बनता है। आप लोग जो है वो क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।